सेमीकंडक्टर्स पार्ट टू। लास्ट टाइम हमने सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने एक तो डेफिनेशन देखी थी कि सेमीकंडक्टर्स हम किन चीज़ों को कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो वेरिएबल होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपके हाथ में होती है, आप खुद वेरी कर सकते हो। इसके अलावा हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमारे पास एलिमेंटल मटेरियल्स थे जिनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हैं, और कुछ हमारे पास कंपाउंड्स थे, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह। इसके अलावा हमने बात की थी स्ट्रक्चर के हवाले से कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें हमने देखा था कि इनमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड की जा सकती हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, और इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे बढ़ जाती है। फाइनली हमने देखा था मेटल्स का और सेमीकंडक्टर्स का आपस में कंपैरिजन किया था कि इनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, एंड सेमीकंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से पास करती है। आज हम वहीं से आगे बात स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पैसेज थ्रू अ सेमीकंडक्टर। इस फिगर के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर आपके पास कोई इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म के अंदर सेमीकंडक्टर है और अगर उसके अलोंग आप कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रिसिटी एक उसके अंदर से पास करने की कोशिश करो, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल और होल्स नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपके पास होल्स मूव करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस साइड पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाइट कलर में आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ये जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही सेमीकंडक्टर में से करंट ज़्यादा पास करेगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक एट द फैक्टर्स जिससे आप इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक मटेरियल है जिसके अंदर इनिशियली देर आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटम्स। ठीक है, हम इन एटम्स को थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं सो दैट दे लुक गुड। सॉरी, नाउ यू कैन सी आपके पास मुख्तलिफ एटम्स हैं और हर एटम ने अपना अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं छोड़ा हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यूं करके आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे। ठीक है, हर एटम ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने गिर्द रखे हुए और 2 उनमें से कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने में इन्वॉल्व होंगे। एग्रीड, अब ये वाले जो 2 हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। अलबत्ता इन्हीं में से अगर आप कोई भी 2 जो हैं, सॉरी मैंने कुछ मिस कर दिए इनमें से, अब कोई भी आप इनमें से 2 लो और उनमें से आप एक इलेक्ट्रॉन अगर सेपरेट कर देते हो किसी भी तरीके से, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने बात की थी ना, अभी जो मिसिंग है मैं उनको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये अब आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए आप अगर एक्सटर्नली क्या करो कि एनर्जी दो, तो क्या होगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है। लेट से आप बाहर से हीट सप्लाई करो, तो हीट से क्या होगा कि हीट से इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो वैसे इस एटम के अंदर था, इस एटम, ये इस एटम की डोमेन है और इस डोमेन के अंदर था ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा कि इसको बाहर से हीट एनर्जी मिलेगी, तो हीट एनर्जी से क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से एटम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है कि आपने एक स्टेबल एटम को एनर्जी सप्लाई की और उसका इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होकर बाहर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर एक होल क्रिएट हो जाएगा इस जगह पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे खाली होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इसका मतलब है हीट एनर्जी अगर आप देना शुरू कर दो एक्सटर्नली, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं,
जिसकी वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगा। मेटल्स में इसका उल्ट हो रहा होता है, ठीक है। मेटल्स में आपको पता है कि जब आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आप हीट देते हो तो क्या होता है कि ये जो एटम्स होते हैं, जो सॉलिड एटम्स हैं, ये सारे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पास होने में रुकावट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सो मेटल्स में जो हो रहा होता है, मेटल्स में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो क्या होता है, कंडक्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, या कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। इन मेटल्स टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम हो जाती है, कंडक्टेंस कम होने का मतलब है बिजली कम पास करेगी, या आप यूं कह लो कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इन मेटल्स, क्योंकि जो दरमियान में न्यूक्लियाई हैं, द न्यूक्लियाई दे स्टार्ट वाइब्रेशंस, और उन न्यूक्लियाई की वाइब्रेशंस की वजह से करंट को गुजरने में रुकावट होती है। अब आप फिर ये सोच रहे होगे कि अगर मेटल्स के अंदर न्यूक्लियाई वाइब्रेट करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में क्यों नहीं करते। एक्चुअली तो सेमीकंडक्टर्स में भी करते हैं, जब आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो ना तो सेमीकंडक्टर्स में भी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर इसमें वाइब्रेशंस बढ़ें तो उसके साथ साथ पहले उस पे वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, ये इलेक्ट्रॉन का निकलना पहले आसान है, इलेक्ट्रॉन तो पहले निकलेगा ना, मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से सारे निकले हुए थे, लेकिन जब आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इन सेमीकंडक्टर्स पहला जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो तो डेफिनेटली होंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से कंडक्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। सो ये वाला एक तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है इन सेमीकंडक्टर्स। अलबत्ता अगर वही चीज़ अगर मेटल होती तो मेटल्स के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इन मेटल्स, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो। हीट सप्लाई करने का मतलब हो गया टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। ये आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए और इनके रीज़न भी पता होने चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स में इस वजह से हीट सप्लाई करने से रेजिस्टेंस कम होती है या करंट कंडक्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। लेकिन रेजिस्टेंस इसमें बढ़ इस वजह से जाती है इन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं और ज़्यादा हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को, वाइब्रेशंस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। जो आज के लेक्चर का सेकेंड हमारा पार्ट है, दैट इज गोइंग टू लुक, वी आर गोइंग टू लुक एट इट कि अगर आप लाइट थ्रो करो, लाइट अगर थ्रो करो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मसलन ये अज्यूम करो दिस इज अ मटीरियल, दिस इज अ सेमीकंडक्टर, जब इसके ऊपर लाइट आके गिरती है ना तो क्या होगा कि जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इधर सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली दूर जाएंगे, या बेसिकली लाइट भी तो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो बात तो वही हो जाएगी कि एटम्स को एनर्जी मिलेगी और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे और डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम होगी और आपके पास करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कि लाइट और हीट एंड हीट सॉरी एंड ऐसे लिख दिया मैंने एंड ऐसे नहीं लिखते एंड ऐसे लिखते हैं लाइट एंड हीट टेंड टू इंक्रीज द करंट, ठीक है। और इंक्रीज कैसे करते हैं वो हमने ऊपर समझ लिया है। जो आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट पार्ट हमने पढ़ना है वो है पी एन जंक्शंस या डायोड्स के हवाले से। हमने पीछे एक बात की थी कि जब आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेमीकंडक्टर जिसमें सारे ये वाले एटम्स थे पहले, ये ग्रे ये जो मैं बॉल्स बना रहा हूँ ये सारे एटम्स थे, जब आप इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डालते हो तो उससे इसका करंट जो होता है वो बढ़ जाता है ना। मसलन आपने एक ये इम्प्योरिटी डाल दी, एक ये डाल दी, बीच में जगह जगह ना आपने एटम्स डाल दिए कुछ, तो उससे क्या होगा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें ये था कि वैसे एक सिलिकॉन लगा हुआ है, उसके चारों तरफ सिलिकॉन्स थे और इसने
चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। बट अगर इस सेंटर वाले की जगह सिलिकॉन की बजाय अगर मैं कोई ऐसी चीज़ डाल दूँ मसलन फॉस्फोरस, अब आपको पता है कि फॉस्फोरस जो है उसके लास्ट शेल में पाँच होते हैं, तो चार तो उसके ये वाले हो गए ना, जिसने चार तो उसने बॉन्ड्स बना लिए, पांचवा इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऐसे टाइप के एलिमेंट को हम बोलते हैं पेंटा वेलेंट इम्प्योरिटी। प्रोबेबली आपने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। और एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यही स्ट्रक्चर आप लो, इसी को मैं इधर साइड पर ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसमें अगर दरमियान में इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस आप कोई और एलिमेंट डालो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें एल्यूमिनियम डाल दो, ये इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप एल्यूमिनियम डाल दो और ये, अब एल्यूमिनियम में आपको पता है लास्ट शेल में कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो तीन तो वो बॉन्ड्स बना लेगा, चौथी जगह पे यहाँ पे वो खाली छोड़ देगा। तो बजाय इसके कि यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई है, और यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल कहते हैं। तो बेसिकली जिस तरह वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया था, यहाँ पे एक होल ऐड हो गया। तो बेसिकली ये जो एल्यूमिनियम था इसमें आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इस तरह की इम्प्योरिटी को भी कॉल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट आपको नाम से क्या पता चल रहा है, तीन, वेलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह पेंटा मतलब पाँच, वेलेंट इम्प्योरिटी मतलब पाँच, इसके वैलेंस शेल के अंदर पाँच इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉस्फोरस में पाँच थे और एल्यूमिनियम में तीन हैं। तो ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटी डालो तो इस पूरे कंपाउंड में एक होल आ जाता है पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर, या इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली जाती है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ऐसा मटीरियल जिसमें आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डालते हो उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं पी टाइप मटीरियल, ठीक है, और जिसके अंदर आप नेगेटिव इम्प्योरिटीज डालते हो या आप कह लो कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डालते हो उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। सो नाउ अगर आपके पास एक इस तरह का मटेरियल है जो कि पी टाइप मटेरियल है, ठीक है, जिसके जहन में फ़ौरन आपके आ जाना चाहिए पी टाइप मटेरियल है, इसका मतलब है कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली गई है, यानी इसके अंदर होल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। और अगर उस मटेरियल को आप जोड़ दो एक और मटेरियल के साथ जो कि एन टाइप मटेरियल है, ये एक पी टाइप मटेरियल था और ये एक एन टाइप मटेरियल है, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे होल्स थे, ठीक है, होल्स का मतलब है यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी और यहाँ एन साइड के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा कि एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ताकि इनकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करें, और पी टाइप से ये होल्स उस साइड पे जाना शुरू कर देंगे, ऐसे ही होगा ना। सो जब इलेक्ट्रॉन्स उस साइड से इस साइड पे आएंगे, या इनफैक्ट ये होगा कि ये फॉस्फोरस अपना इस होल को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ इस होल की जगह पर आ जाएगा, इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इससे ये हुआ कि देखो सारों के बॉन्डिंग्स तो पूरी हो गई हैं, बट फॉस्फोरस के ऊपर अब सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, उसका पांचवा उसने डोनेट कर दिए, तो फॉस्फोरस के ऊपर एक यहाँ पे ना इस जगह पे करके एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले एल्यूमिनियम के एटम ने ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस साइड पर ट्रेवल करते जाएंगे, इधर दरमियान में ना एक चार्ज आता जाएगा यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मैं इनको येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, और इस साइड पे माइनस 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 माइनस, ठीक है, और दरमियान में एक बैरियर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। इससे आगे की जो बातें हैं वो ज़्यादा फिर हम फिजिक्स की डिटेल में चले जाएंगे, जो मैं सिर्फ आपको बात समझाना चाह रहा था, ये जो पी और एन मटेरियल को आप इकट्ठा जोड़ देते हो तो इससे इलेक्ट्रॉन बहुत फौरन करंट पास होना शुरू हो जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, और इसको फिर हम डायोड बोलते हैं, ठीक है, पी एन जंक्शन बोलते हैं या डायोड बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। पी एन जंक्शन नॉर्मली ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक पी, एक N और एक P मटेरियल को हम आपस में जोड़ देते हैं, पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है। इसी तरह एक N, एक P और एक
एन टाइप मटेरियल अगर आप जोड़ दो तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर और भी टाइप्स के होते हैं। ये पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर्स की कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये गेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, गेट्स घरों के गेट्स नहीं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गेट्स होते हैं ना, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ठीक है, ये वाले गेट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और फिर इन गेट्स से आप सर्किट्स बनाते हो बड़े बड़े, ठीक है, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक, आप मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, एडिशन के रूल्स, ये सारे इन गेट्स से बनते हैं। और फिर इन गेट्स से मिलके आप कह लो कि ओवरऑल एक प्रोसेसर बनता है, और फिर प्रोसेसर बनता है तो उससे आप ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आ जाते हो। एंड बेसिकली कंप्यूटर्स दुनिया में जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं वो एक तरह से पी एन जंक्शन से मिल के बने हुए हैं, ठीक है। सो ये आप पी एन जंक्शंस की इंपॉर्टेंस यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हो। एक एक्सरसाइज में आपको जल्दी से छोटी सी एक एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ कि अगर आपने चेक करना हो कि कितने एक्चुअली मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स का आपस में कंपैरिजन, एक छोटा सा सोडियम का आपको पता है कि डेंसिटी कितनी होती है, आप सॉरी आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता थी, अभी मैंने देख लिया, 0.97 डेंसिटी होती है सोडियम की, 0.97। अच्छा, और ये डेंसिटी के यूनिट्स हैं ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एक सेंटीमीटर क्यूब आप सोडियम लो तो उसमें कितना वजन होता है उसका, 0.97 ग्राम्स। ठीक होगी यहाँ तक बात, कि 0.97 ग्राम्स होते हैं एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम कंटेन्स 0.97 ग्राम्स ऑफ सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स ओवर मोलर मास। अब मास आपके पास कितना है, 0.97 ग्राम्स, और मोलर मास सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम्स, ऐसे ही होता है ना, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.97/23। और आपको एक और चीज़ पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 0.97/23 जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनटू एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 0.6022 × 10²³। सो बेसिकली इस तरीके से आप बता सकते हो कि एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। अगर इस पूरे का आप जवाब इक्वेट करो तो दैट कम्स आउट समथिंग लाइक 5 point something, या इसको आप 5 ही रहने दो, × 10²², यानी इतने एटम्स होते हैं। अगर एक सेंटीमीटर क्यूब आप सोडियम लो उसमें इतने एटम्स होते हैं, और आपको पता है कि सोडियम इज अ मेटल, तो क्या होगा कि हर मेटल सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज छोड़ता है, तो बेसिकली जितने एटम्स हैं इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यही बात है ना। सो इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम के अंदर, ठीक हो गया। नाउ लेट्स मूव टू जर्मेनियम, यही पूरा काम आप जर्मेनियम के साथ करो, इस पूरे जर्मेनियम वाली एक्सरसाइज को हम येलो से कर लेते हैं। जर्मेनियम की जो डेंसिटी है, आई हैव टू लुक एट इट, इट इज 5.93 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगेन इस बात का भी यही मतलब हुआ कि सिंगल सेंटीमीटर क्यूब अगर आप जर्मेनियम का लो, सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली एक क्यूब जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इतना सा अगर आप जर्मेनियम का पीस लो तो उस जर्मेनियम का पीस का वजन होगा 5.93 ग्राम्स। और अगर यही वाला पूरा प्रोसेस आप रिपीट करो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ जर्मेनियम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इफ यू ट्राई टू इक्वेट, तो ये आता है आपके पास 4.9 × 10²² विच इज ऑलमोस्ट द सेम। ऊपर भी आपके पास 5 × 10²² था, यहाँ पे 4.9 × 10²², इसको भी हम चलो 5 ही कर देते हैं, अंदाजन उतना ही होगा, 5 × 10²² पार्टिकल्स। लेकिन जर्मेनियम के अंदर अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो इतने नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम अगर आप वो निकालो तो उसका जवाब आता है 2.5 × 10²⁰। आई रिपीट, 2.5 × 10²⁰। ये आपको देख के लग रहा होगा कि दोनों नंबर बहुत ही करीब करीब हैं, ये करीब नहीं है, ये बहुत दूर हैं। यानी सिर्फ इतने ऐसे एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री छोड़ देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जर्मेनियम के इतने हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उनमें से सिर्फ
2.5 into 10 to power 13 जो हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री छोड़ दिए और इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं सो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं बाकी आपके पास नहीं है. अब लेट्स टेक एन इम्प्योरिटी और इम्प्योरिटी को मैं ग्रीन से भी मेंशन करता हूँ. इम्प्योरिटी डाल दो आप इसके अंदर एल्यूमिनियम ठीक है और एल्यूमिनियम आप इसके अंदर डाल दो बहुत ही थोड़ी अमाउंट के अंदर 0.0001% ठीक है यानी अगर 0.0001% का 1% का मतलब होता है 100 में से एक और ये बेसिकली चार जीरो और लगा दिए तो 100 के आगे चार जीरो लगा दो यू एक्चुअली मीन वन पार्टिकल ऑफ एल्यूमिनियम इन 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ जर्मेनियम ठीक है यही बात हुआ ना इसमें यानी आपने सिर्फ इतने परसेंट एल्यूमिनियम ऐड कर दिए. अब एल्यूमिनियम जो है वो तो आपको पक्का पता है कि वो तो हमेशा एक होल क्रिएट करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम अगर आपने दरमियान में डाल दिया ना सिलिकॉन के तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो चौथी जगह खाली बच जाएगी और वहाँ पे एक होल आ जाएगा. सो बेसिकली अगर आपने 1 in 1 million डाले हैं और टोटल आपके पास 5 × 10²² एटम्स थे तो बेसिकली आपने क्या किया है 5 × 10²² डिवाइडेड बाय 1 million विच इज 10²⁶ इतने आपने बीच में क्या डाल दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए होल्स डाल दिए ठीक है. सो बेसिकली इसको इक्वेट करो ये क्या जवाब आ जाता है 5 × 10²⁶ इज 22 − 6 ये आपके पास हो जाएगा 16 यानी 5 × 10²⁙ होल्स अब आपके पास क्रिएट हो गए ठीक है. और पहले कितने थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पहले कितने थे 2.5 × 10²⁰ और अब कितने हो गए हैं 5 × 10²⁙ तो बेसिकली जो करंट पास कराना था वो पहले इन्होंने कराना था 2.5 × 10²⁰ इलेक्ट्रॉन्स ने. अब जो होल्स हैं इनको भी आप करंट पास कराने की एक चीज़ समझो. अब देखो ये कितने गुना ज़्यादा हो गए हैं इससे इससे ये कितना बड़ा नंबर है ये अगर आप ट्राई टू इक्वेट दिस तो आपके पास जवाब आएगा 2000 यानी 2000 टाइम्स ज़्यादा होल्स क्रिएट हो गए हैं जितने पहले होल्स थे. यही बात है ना पहले 2.5 × 10²³ होल्स थे उसको दो गुना करो तो उसका मतलब हो गया 5 × 10²³ और फिर 1000 से मल्टीप्लाई भी करो तो वो हो जाएगा 5 × 10²⁶ यानी 2000 टाइम्स मोर होल्स. ये 2000 नंबर ऑफ मोर होल्स नहीं है 2000 टाइम्स है ये 2000 टाइम्स मोर होल्स आर क्रिएटेड जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 2000 टाइम्स इनहेंस हो जाएगी ठीक है. सो दिस वॉज अ सिंपल न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली आप क्वेश्चंस में ये बात कैसे अप्लाई कर सकते हो. मैं रिपीट कर देता हूँ हमने क्या बात की है कि अगर आपको किसी चीज़ की डेंसिटी पता हो ठीक है तो आप उससे उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है एंड फाइनली यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मेटल्स के अंदर तो जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब यही वाली बात अगर मैं दोबारा करूँ कि आपने अभी जर्मेनियम के अंदर एल्यूमिनियम डाल तो दिया लेकिन क्या उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए 5 × 10²⁰ उसमें कितने हुए डालने के बाद भी 5 × 10²⁰ हो गए और ये हुए जर्मेनियम के अंदर जब आपने एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी डाल दी और जर्मेनियम जब प्योर फॉर्म के अंदर था तो इसमें कितने थे 2.5 × 10²⁰ और सोडियम जब प्योर फॉर्म के अंदर था तो उसके अंदर आपको पता है कितने थे तो प्योर सोडियम के अंदर 5 × 10²⁰ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे ठीक है. सो ये एक तरह से आपने ये पता कर लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स थे. इसका मतलब ये हुआ कि प्योर जर्मेनियम के निस्बत जो आपने इम्प्योरिटी डाली है डोप्ड जर्मेनियम हम जिसको बोलेंगे डोप्ड जर्मेनियम इज 2000 टाइम्स अ बेटर कंडक्टर बट एट द सेम टाइम डोप जर्मेनियम को अगर आप कंपेरिजन करो प्योर सोडियम के साथ तो प्योर सोडियम से अभी भी वो अच्छा कंडक्टर नहीं बना डेफिनेटली उससे तो बन ही नहीं सकता ना बेहतर 5 × 10²⁶ और यहाँ पे 5 × 10²⁰ वो उससे अभी भी 1 मिलियन टाइम्स लेसर उसकी कंडक्टिविटी है ठीक है. So I hope this exercise would help you, it would guide you. This is a quantitative way
It is a quantitative way to understand conductance in terms of electrons. ठीक हो गया. In today's lecture, we actually looked at heat and light effects, and then we talked about diodes, PN junctions क्या होते हैं, और trivalent और pentavalent impurities के through हम doping कैसे करते हैं, and transistors क्या बला होती है. And finally, we had a look at quantitative approach through which we tried to understand conductance effects. In the coming up lecture, we are going to do the last topic of this chapter, which is lead compounds. Normally जो होते हैं ये paints के अंदर use होते हैं, though they have other uses too. हम lead compounds के बारे में basically हम बात करेंगे in the next lecture.